मैं हूँ भैया अयोध्या में और सरयू नदी के किनारे नया घाट अयोध्या। पहचान के लिए आपको दिखाता हूँ, ये जो सामने पुल जाता है, ये पुल के डिजाइन से आप पहचान करोगे। और अभी देखिए घाट बन रहा है, एक नए तरीके से डेवलप किया जा रहा है, एक्स्ट्रा इसका एक्सटेंशन किया जा रहा है, क्योंकि पुल की दूरी जहाँ पे बड़ा बहुत दूर ज़्यादा आ गया हूँ, उधर का ये रास्ता पे घाट नहीं था, वो बीच में ही पुल तक ही घाट था, ये तो गेट घाट यहाँ पे एक्सटेंशन किया जा रहा है। सामने भी मंदिर बनाया गया, वहाँ तक एक्सटेंशन कर दिया गया और नहाने के लिए लोग यहाँ तक आते हैं। और बैरिकेडिंग किया गया है एक फ्लोटिंग बैरियर के द्वारा, जिसके अंदर में आप मतलब उस पर उस पार नहीं जाना। देखो एक बनवासी कर रहा है बच्चा, उस पर खड़े होके देखो लहर दे रहा है, देखो दिखा दो। ये है अयोध्या का नया घाट, आपने अभी पिछले वीडियो में देखा कि राम की पैड़ी कहाँ है, तो पहले लोग आते थे तो यहीं नहाते थे, अभी आजकल राम की पैड़ी में नहाते हैं। नया घाट मेन प्रसिद्ध स्थान है, मैं जब भी आता हूँ तो यहीं नहाने का प्रेफर करता हूँ कि मैं यहाँ नहाऊँगा। और जब बच्चे हमारे आते तो ऐसे स्विमिंग पूल तरीके से आते हैं तो उनको राम की पैड़ी में नहलाते हैं। यहाँ पे अयोध्या पुलिस क्या लिखा है, रिवरिन कंट्रोल रूम लिखा हुआ है। यहाँ पे दिन में हमारे पंडा साहब लोग रहते हैं, महाराज जी रहते हैं, गायें रहती हैं, जहाँ पे गौदान ये सब करते हैं और आपको यहाँ पे आपकी कर्मकांड और क्रिया कराते हैं, यहाँ पे आपके रिचुअल्स संपन्न कराते हैं वो लोग। और आपको जगह दिखाता हूँ जहाँ पे रोज शाम आरती होता है, सरयू समिति का यहाँ पे बनाया गया है आरती के लिए, यहाँ पे होता है आरती डेली शाम को तकरीब 7 बजे के आसपास में, जब भी सनसेट होता है तो सनसेट के टाइम पे यहाँ पे होता है आरती। तो ये उनके लिए बेसिकली एक मेज, 6 मेज रखा हुआ है, गिनाता हूँ आपको कितना रखा है, 1, 2, 3, 4, 5 आपको यहाँ पे रखा हुआ है, 5 5 थोड़ा सा एक बेस बनाया गया है जिसके ऊपर खड़े होके यहाँ पे सरयू मैया की आरती की जाती है डेली शाम को। और कभी भी जब आएंगे उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, ये दर्शन करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाता है। आपको थोड़ा सा नीचे से दिखाता हूँ मैं, और ये दिखाता हूँ लोग देखो स्नान कर रहे हैं, श्रद्धा का महत्व कितना होता है, आस्था कितनी बड़ी चीज होती है। अभी रात के 12:15 बज रहे हैं और आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि अयोध्या कैसा है, नया घाट कैसा है, सरयू स्नान लोग कैसे करें, ये सब चीज़ों के लिए आपको दिखा रहा हूँ मैं, कि आप दिन में भी आओ रात में भी आओ, कि रात में क्या करूँगा, कहाँ रूम लूँगा। तो आप अगर मान लो अयोध्या घूमने के लिए आते हो तो रूम लो ना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कभी भी यहाँ पे आते हो तो आप यहाँ पे स्नान करिए, घूमिए टहलिए, आपका टाइम कब पास हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा यार, इतना चहल पहल यहाँ मची रहती है। दिन में धूप बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कार पार्किंग ये पार्किंग बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। रात में थोड़ा सा अभी देखिए पानी हमारे यहाँ पे हमेशा रहता है, एक चीज़ तो बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ पे पानी हमेशा रहता है। और ये फ्लोटिंग बेस जो बनाया गया है ये VIPs के लिए बनाया गया है, जब आते हैं तो वहाँ बैठ के और सामने यहाँ पे सरयू मैया का आरती देखते हैं। और सामने जो फ्लोटिंग बेस बनाया गया है उसके ऊपर से चल करके देखिए दूर 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 लास्ट में जाके वहाँ बेस पर बनाया गया है, ये क्या है मुझे नहीं पता है, वहाँ पे सेंचुरी लिखा हुआ है, उस सेंचुरी के पास में कुछ होता होगा, लाइटिंग वाइटिंग का जुगाड़ है, अभी लगता है मेंटेनेंस के लिए कुछ होगा। अभी बंद है वो, लाइटिंग का है बेसिकली, वहाँ के लिए जाते हैं। और दूर तक शायद वो गया है, बहुत दूर तक गया है, अब उसके आगे भी गया हुआ है, देखो मेरा कैमरा रात में नहीं दिख रहा है उसके आगे, बस इतना ही दिख रहा है, और आगे तक गया है, उसके आगे है नहीं कुछ भी, हमें लगता है उस पार जाने के लिए बना होगा। अगर आपको पता है क्या है तो कमेंट करके बताइए कि वो क्या चीज़ है। तो ये डाटा रहा है आपका नया घाट अयोध्या, सरयू घाट जहाँ पे लोग नहाते हैं और गंगा सरयू आरती जो होता है उसके लिए। और ये है पुल जो डायरेक्ट कोटा को चला जाता है, अब ये जैसे पुल क्रॉस करोगे तो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कोटा डिस्ट्रिक्ट हो जाता है,
रात में थोड़ा सा आंधी बोंडल आने का थोड़ा सा मुझे आसार लग रहा है, तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तो आपने देखा कि चहल पहल रात में 12 बजे अयोध्या नया घाट में कितने लोग जग रहे हैं, कैसे लोग सो रहे हैं। आप भी ऐसे इन तरीके से अपना कर सकते हो। दिक्कत यही आएगी जब तक आंधी बोंडल या बारिश नहीं होगा तब तक आप सेफ हो, बाकी टाइम के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और महिलाओं के लिए कपड़ा बदलने के लिए यहाँ पे जुगाड़ बनाया गया है केविन्स, तो उसके लिए भी आपको दिक्कत नहीं होगा, कपड़े बदल सकते हो। और यहीं पे आपको टॉयलेट भी बना के दिया गया है। आनी आ गया बहुत तेज, तो देखता हूँ मैं कहाँ तक भाग पाता हूँ। रात में 12 बजे, आज है 18 जून 2024। और थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वो लिख के दिखाता हूँ, पढ़ के बताता हूँ। ये पेड़ पुराना अगर आप पहचानते होगे तो, ऐसा भी बन रहा है तो ये ऊपर चढ़ जाएगा। एक तरफ इधर से उतरते हैं, दूसरी तरफ से चढ़ते हैं, तो नॉर्मली किधर से भी चढ़ जाओ, अभी भीड़ नहीं है। तो आंधी बोंडल जब आता है तो उस टाइम पे रिस्क एक चीज़ ये रहता है कि हर चीज़ें फ्रीली पड़ी हुई हैं और कभी भी वो उड़ के आपको हिट कर सकता है और आप इंजर्ड हो सकते हो, तो आप अवॉइड करिए। और फोकस रात में 12 बजे शुरू हो गया है अयोध्या में राम की पैड़ी पे, कुछ होगा। अभी पूरा सन्नाटा हो गया है। गोंडा यहाँ से 48 किलोमीटर पड़ता है और बराई से 115 किलोमीटर, बलरामपुर 90, बस्ती 67 किलोमीटर। ये बैरिकेटिंग रहती है और यहाँ से उल्टा दिखाता हूँ मैं, अगर आपको जाने के टाइम पे आप इस तरफ से नीचे जा सकते हो, वापसी भी उधर से ही आना क्योंकि सामने इधर से ब्लॉक करके रखा हुआ है। हाँ, ये हो गया आपका सीधे बारह इंच गोंडा, क्या क्या चली जाती है ना सरयू पुल के ऊपर से। दुकान भी खुला हुआ है, चाय का, नमकीन का, पानी का, प्रसाद का, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। जी भैया, मुझे लगता है इतना मैक्सिमम डाटा है आपके लिए पर्टिकुलर सरयू मैया के घाट के लिए, तो आप कभी भी आप आते हैं तो उस तरीके से आप अपने आप को मैनेज करके रखिए। और जब भी अयोध्या विजिट करते हैं तो अपने आप को सेफ रखें, कभी भी अपने आप को अकेले ना छोड़े, लोगों के ग्रुप में रहें या जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है वहीं पर रहें, क्योंकि अकेले का जगह अयोध्या में ऐसे ही स्नैचिंग होता नहीं है। लेकिन कोई भी घटना एक एग्जांपल सेट करती है, तो किसी को ऐसा मौका ना दे। अगर मेरी बातों से सहमत है तो उसमें कमेंट में लिखें हाँ, ठीक भैया। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राम, जय सरयू मैया, जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।